साइकिल बाइक साइकिल भी लेकर लोग यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये फुल 100 साल से भी ज़्यादा पुराना उन कांवड़िया लोग हैं। जय भोले। चेहरा दिखाओगे? स्कूल से बंक करके आए हो क्या? नहीं नहीं, स्कूल में प्रैक्टिकल था। अच्छा, वो चेहरा छुपा रहा। अच्छा, दोस्तों अभी मैं करजन ब्रिज पे हूँ और शाम का वक्त है और न्यूज़ में आया है कि इसको बेच दिया गया है। रेलवे ने इसे 8 करोड़ में प्रयागराज गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे दिया है और इसके लिए NOC भी दे दिया है। वहाँ ये फुल 100 साल से भी ज़्यादा पुराना, 1901 में इसको एज ए रेलवे ब्रिज डेवलप किया गया था, इसके ऊपर फिर ये सड़क बनाई गई। तो यहाँ पर एक रेलवे ब्रिज भी है और प्लस यहाँ पर आवागमन के लिए, गाड़ियों के आने जाने के लिए रोड ऊपर बनी थी, लेकिन 1998 में इसको बंद कर दिया गया एज ए सिक्योरिटी इशू। और आप देख सकते हैं पीछे एक पुल बना है, ये रेलवे के लिए बना हुआ है, और इस साइड गाड़ियों के लिए पुल बना हुआ फाफाओं ब्रिज है। और गाड़ियाँ इधर से, काफ़ी गाड़ियाँ इधर से उधर जा रही हैं। काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर, इसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। इस सड़क की हालत देख सकते हैं आप, कई जगह टूट चुका है, पुराना काफ़ी हो गया है। तो 1901 से ये कार्यरत था, लेकिन अब इसे 1998 के बाद से बंद कर दिया गया था। लेकिन गाड़ियाँ आती जाती हैं, छोटी मोटी गाड़ियाँ आती हैं, स्कूटी आती है, दो पहिया वाहन जितने होते हैं वो सब आते हैं यहाँ पर और लोग इंजॉय करते हैं, यहाँ पर सेल्फी लेते हैं। इसकी मजबूती के लिए रुड़की की टीम आई हुई है, इसकी मजबूती के रुड़की की टीम आई हुई है, दो सदस्यों की टीम है जो यहाँ पे 7 दिन तक इसकी मजबूती परखेगी और उसके बाद शासन को रिपोर्ट देगी और शासन उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य करेगा। और जो डेवलपमेंट है वो प्रयागराज अथॉरिटी के हाथों में रहेगा और पर्यटन विभाग को इसको दे दिया गया है। पर्यटन विभाग इसमें चाहेगा, जैसा इसमें बदलाव चाहेगा वैसा होगा। यहाँ ओपन रेस्टोरेंट का प्लान है और साथ में यहाँ पे डिजिटल गैलरी होगी सारी रिवर के बारे में, और आर्ट गैलरी, ओपन रेस्टोरेंट तो मैंने बताया ही, काफ़ी कुछ प्लान होगा जो 2025 तक हमको दिख जाएगा। तो बने रहिएगा और इसकी डेवलपमेंट के बारे में और भी जानकारी मिलती रहेगी तो फिर मैं बताता रहूँगा आपको। आप मुझे देख सकते हैं शाम का वक्त है, सूरज ढलने वाला है, तो चलिए एक राइड इस पे कर लेते हैं, करजन ब्रिज के ऊपर एक राइड हो जाए। शाम का वक्त है, काफ़ी लोग यहाँ पे जॉगिंग और रनिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे बाइक राइडिंग करेंगे। डेवलप हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बन गया है, तो बाइक लेके आ रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। ये लकड़ियाँ रखी हैं यहाँ पे, पर्पस क्या है आई डोंट नो। और ये जितने भी हमले लगे हैं लाइट के थे, लाइट निकल गई है सारी, क्योंकि ये यूजलेस है, अब गाड़ियाँ आती जाती नहीं हैं। रात में एक आध दो पहिया चलते होंगे यहाँ पे। और अगर पुल की बात की जाए तो उधर 6 लेन ब्रिज बन रहा है, इस साइड रेलवे का ब्रिज है, तो जो 100 साल पहले इसकी अहमियत थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। इस पुल का
दोनों कार्य होता था। कांवड़िया लोग हैं। जय भोले। कांवड़िया लोग घूम रहे हैं यार, और ये हमारे देवदूत हैं। और ये पुल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, हम पहुँच गए हैं पापामऊ में। पापामऊ से वापस हम चलते हैं प्रयागराज की तरफ। और रोड देखिए आप, दोनों साइड में पुल बन रहे हैं, पुराना पुल और नया पुल सब एक साथ हैं। मतलब 100 साल का इतिहास आपके आसपास ही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे लकड़ियाँ प्राइवेट काम के लिए रखी गई हैं, एक स्टोरेज के रूप में यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि अब ये पुल यूज में नहीं आता है तो कोई कुछ भी कर लेता है। यहाँ पे शासन का यहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साइकिल बाइक साइकिल भी लेके हुए लोग यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे से इंजॉय किया जा रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं साइकिल से, बाइसाइकिल राइड कर रहे हैं यहाँ पे लोग अपनी, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो गया। कल बारिश हुई थी तो आज मौसम बड़ा अच्छा है, लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। और हम भी यहाँ पे घूमने के लिए ही आए। ये लोग गर्दन क्यों लटका के घूमे भाई, इन्होंने गर्दन क्यों लटका रखी है। तो ये पुल समाप्त होता है यहाँ पे। पुल का काम दोनों तरफ से लिया जाता था, नीचे रेल चलती थी, ऊपर रोड थी जिससे वाहन आते जाते थे। तो ये देखिए ये पुल है, और ये रेलवे लाइन यहाँ बिछी हुई है। तो यहाँ से सारी प्लेटें जो हैं वो हट गई हैं, तो ये रिस्की है थोड़ा सा, यहाँ पे चल के जाना पड़ता है। पहले तो मैं दौड़ लेता था, यहाँ पे पटरियाँ कुछ प्लेटें लगी हुई थी, जैसे अभी यहाँ लगी है ऐसी प्लेटें लगी थी। कान को कहा, उस साइड रोड वाला ब्रिज है। काफ़ी प्लेटें हट गई यार यहाँ पे, तो मैं दौड़ लेता था। ये सारी प्लेटें जितनी हैं लोहे शायद, जल्दी ना फिर तुम पे होल्ड करना है, फिर इधर करना है। तुमसे शुरू है कहानी, लोग कहते चेहरा दिखाओगे बिल्कुल।
स्कूल से बंक करके आया हो क्या? नहीं नहीं, स्कूल प्रैक्टिकल था। अच्छा, वो चेहरा छुपा रहा। अच्छा, तो ये ऊपर रोड का है और नीचे ये रेलवे लाइन का पड़ा हुआ है। 100 साल पुराना कंस्ट्रक्शन का काम है सारा, तो देख ही रहे हैं अब हालत क्या है। 100 साल बाद प्लेटें हट चुकी हैं, कदम आप देख ही रहे होंगे, आराम से रखना पड़ता है। एक पांव नीचे गया तो आप नीचे चंगा जी, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। ठीक है, इसके आगे बहुत लंबा है, वहाँ तक नहीं जाएंगे, देख लेते हैं यहीं तक। सिक्स लेन ब्रिज बन रहा है और ये है पापों ब्रिज, साथ में ही पुराना रेलवे ब्रिज, इसके ऊपर रोड ब्रिज जो 8 करोड़ बिक गया है, रेलवे ने इसको दे दिया है शासन को। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, शाम का वक्त है, सूर्यास्त हो रहा है और लोग नीचे भी टहल रहे हैं। यहाँ पे लंगूर भी है, तो शाम का वक्त है और मौसम भी अच्छा है, तो घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और जब ये 2025 तक डेवलप हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से डेवलप हो जाएगा, जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे काफ़ी प्लान है, सब कुछ होगा, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कैसा डेवलप्ड हो जाएगा। अभी तो आप देख रहे हैं, अभी से ये पर्यटन स्थल है, तो फिर एज ए हेरिटेज और पर्यटन स्थल के रूप में इसको कैसे डेवलप किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज के लिए इतना ही। ये ब्लॉग आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको यहाँ आना है तो आप आ सकते हैं तेलियरगंज होते हुए, ये फाफों के लिए रास्ता जाता है। जा सकते हो? हाँ खुला है, सब जा रहे, सेल्फी ले रहे हैं, तो भी जाओ सेल्फी ले लो।